तो ऐसा है कि बहुत कम लोगों को परिचय देने की जरूरत है। स्वामी जी महाराज यहाँ, स्वामी श्री रामानंद जी महाराज एक महीना या अधिक मास किए थे। तो वैसे तो आनंद वृंदावन में चातुर्मास किया था करीब 6-7 साल पहले, 2012 10 साल पहले। तो अब वो जो 2012 में किया उसके बाद फिर काफी लंबा गैप रहा, और अभी जो पिछला अधिक मास गया तो स्वामी जी ने खुद कहा कि मैं इस बार आऊंगा पर गोपालगढ़ रहूंगा। तो गोपालगढ़ व्यवस्था हो गई ठाकुर जी की कृपा से, एक महीना रहे बड़े आनंद के साथ। और विशेष लाभ हम लोगों को यहां मिला क्योंकि यहां का नहीं था कथा का, पर इन्होंने हमने प्रार्थना की तो आधा घंटा आप बोलते थे, आधा घंटा में आपने कर्मयोग पे सुनाया। और वहां मुख्य जो आश्रम में था तो वहां पर पंचदशी का चित्रदीप प्रकरण पूरा किया, और फिर समय रह गया था तो उसमें विवेक चूड़ामणि के जो मुख्य श्लोक है वो सब ले लिए। तो कल ही, अब वो स्वामी जी खुद बताएंगे कल किसने सुझाव दिया है विषय का, तो वो जो है श्रोता वहां बैठी है बहुत दूर एकदम कोने में, नारायण 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 नारायण। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बड़ी प्रसन्नता की बात है, प्रतिदिन विशेष परिस्थिति को छोड़ते हुए अथवा जैसा भी, यहाँ स्वामी जी महाराज व्यास गद्दी में बैठ करके आप लोगों को स्वाध्याय प्रवचन सुनाते हैं और आश्रम में भी सुनाते हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला और तो हमारे ऊपर में ईश्वर की कृपा हुई, गुरुजनों की कृपा हुई, शास्त्र की कृपा हो रही है, आत्म कृपा करनी चाहिए। और आप लोग आत्म कृपा करते हो तभी तो यहां आते हैं। स्वयं के ऊपर में स्वयं की कृपा, कि अनंत कोटि जन्मों से जब हम चक्कर खा रहे कभी देवता की योनि में चले जाते हैं, कभी नरक में चले जाते हैं, कभी मनुष्य में आते हैं, कर्म वसात कारणम
गुण संगवस्य सदसद योनि जन्मस्। अनेक जन्मों में जो हम कष्ट व्यथा सब अनुभव करते हैं, उससे निवृत्ति के एकमात्र उपाय है कि ब्रह्म ज्ञान। रीते ज्ञानान्न मुक्ति ही। ब्रह्म ज्ञान के बिना ये संसार सागर से मुक्ति नहीं है। वास्तविक ब्रह्म विद्या हमारे जन्म मरण को शिथिल करती है, ब्रह्म के स्वरूप बोध करा देता है, ब्रह्म ज्ञान। इसलिए ब्रह्म विद्या ही उपनिषद है। परंतु उस ब्रह्म विद्या के लिए कुछ शब्द राशि होने से वेद के एक भाग को उपनिषद भी कहे गए। कल सरला जी ने प्रस्ताव दिया कि स्वामी जी वेदांत सुनाएंगे, मतलब बहुत बढ़िया है ना, छांदोग्य उपनिषद थोड़ा सुनाएंगे। ठीक है, छांदोग्य में से भी आपको कुछ सुनाएंगे। छांदोग्य उपनिषद में आया सर्वम खलुइदम ब्रह्म, सर्वम खलुमिदम ब्रह्म, के सबके सब ब्रह्म है। सर्वम खलुइदम ब्रह्म, हालांकि उपासना के दृष्टि से कहा गया है कि उस तद जलाने के शांत उपासित, ये सर्व निश्चित रूप से सब ब्रह्म स्वरूप है। जैसे सोने से आभूषण भिन्न नहीं होते हैं, जल से तरंग भिन्न नहीं होते हैं, लोहा से अस्त्र शस्त्र भिन्न नहीं होते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है। अधिष्ठान दृष्टि से कहा जा रहा है और इसलिए शांत होकर के उपासना करो। तज्जलान इति, ये संपूर्ण संसार संपूर्ण जगत उसी से उत्पन्न होता है, उसी में अवस्थित है और उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार मान करके मन को शांत कर लो और सर्वम खलुमिदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म स्वरूप है, ये निश्चय करो, उपासना करो। छांदोग्य उपनिषद में से कहा, पैर नीचे पैर रखो बेटे, हाँ ऐसा। ये जो है अथ खलु क्रतुमय पुरुष भवति, अथ खलु क्रतुमय पुरुष भवति, यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य भवति तस्मात् क्रतुम् कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरः भारूपः सत्यसंकल्पः सत्यकामः आदि आदि सांडिल्य विद्या में आया, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत। ये जो पुरुष है निश्चय वाला ही होता है, संकल्प वाला ही होता है, क्रतु का अर्थ संकल्प भी होता है और निश्चय भी, कि जैसे इसके अंदर में निश्चय होता है तो मरने के बाद में शरीर से शरीर को जब छोड़ देता है, उत्क्रमण करता है शरीर से, उस भाव को प्राप्त करता है। तस्मात् क्रतुम कुर्वीत, इसलिए ऐसी उपासना करो, निश्चय करो। वेदांत का प्रैक्टिकल लाइफ में लाना पड़ेगा हमको, हमारे जीवन में वेदांत क्या है, हमारे अंदर में देहात्म बुद्धि है कि यही मैं हूं। ये देहात्म बुद्धि से ब्रह्मात्म बुद्धि में वेदांत हमको पहुंचा देता है।
तुम देह नहीं हो भाई, तुम आत्मा हो। जैसी कोई खजूर की चटाई है, बहुत महीनों से उसको आप लपेट कर रखा है, तो जब आप उसको फैला देते हैं, अपने आप फिर चटाई लपेट में आ जाती है। उसमें न्याय शास्त्र में स्थिति स्थापकता के गुण है। ऐसे हमारे अनंत जन्म के कुसंस्कार संसार के प्रति हमको प्रेरित करते हैं, संसार का आकर्षण है। तो संसार से ही मन को हटा करके निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। यदि कोई उपासना के प्रसंग में आया है सांडिल्य विद्या में कि ब्रह्मा मनोमय है, प्राण स्वरूप शरीर है, ऐसा ऐसा सब जो कहा गया है, ऐसा चिंतन करने का, लेकिन ये सूत्र सब में लग सकता है कि मैं आत्मा हूं। ब्रह्म सूत्र में आया आवृत्ति रसकृत उपदेशा, बार 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 आवृत्ति करनी है। जैसे अभी आपका नाम हरिशंकर शर्मा है, तो आपके हरिशंकर शर्मा मैं हूं, हरिशंकर शर्मा मैं हूं, ऐसा रटते क्या? रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि बार बार हमारे माता ने, पिता ने, भाई बंधु मित्रों ने बार बार आपको बुलाया, हरिशंकर हरिशंकर हरिशंकर, इतना पक्का हो गया। तो इसी प्रकार बार बार हम आवृत्ति करेंगे। जैसे गंगा जी दौड़ती है, तब तक दौड़ती है जब तक गंगा सागर को प्राप्त नहीं कर लेती। गंगा सागर को प्राप्त करने के बाद उसका दौड़ना बंद। इसी प्रकार मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं, अजर अमर हूं, अविनाशी निष्क्रिय साक्षी। इस प्रकार चिंतन धारा प्रवाह एकांत में बैठ करके चलते फिरते, इस प्रकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाह निरंतर करने के लिए प्रयत्न हम करेंगे और उसका अवसान समाधि में। इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। जितना व्यवहार में हम उलझ जाएंगे तो उतने हमारा चिंतन शिथिल हो जाएगा। इसलिए व्यवहार कम हो और इस चिंतन में हम चले, और इस चिंतन करते 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 हम अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। जब ये चिंतन प्रबल हो जाएगा तो आपको चिंतन करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप चलता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु का नाम स्मरण का अभ्यास था, सब समय में नाम स्मरण करते थे। जब शौचालय में जाते थे वो भी नाम स्मरण आ जाता था, वाणी खुल जाती थी। तो चैतन्य महाप्रभु बोलता, अरे यहां भगवान का नाम क्या लेना है, अपनी जीवा को पकड़ लेते थे। देखो उनकी जीवा हमेशा चलती थी भगवान के नाम स्मरण में। तो शौचालय में जाते तो वहां भी चलना शुरू हो गया, तो अपनी जीवा को पकड़ लेते थे कि यहां नहीं होना चाहिए भगवान का स्मरण। फिर आपने शिष्य को सुनाया, अरे भाई मेरा तो ऐसा अभ्यास हो गया तो वहां भी निकल जाता है, मैं तो जीवा को पकड़ लेता हूं। तो शिष्य ने चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं, प्रभु आप जीवा न पकड़िए, क्योंकि मानो उसी समय यदि शरीर पूरा हो गया तो, जहां आप बैठे हैं वहां शरीर पूरा हो गया तो, इसलिए भगवान का नाम को चलने दीजिए आप। और मैंने सुना महात्मा गांधी तो शौचालय में भी राम राम लेकर रखे थे। कि सब समय में चाहे आप सगुण साकार का विग्रह हो अथवा निर्गुण निराकार का, इसका अभ्यास करना हमें बहुत आवश्यकता है। यदि हमने अभ्यास नहीं किया तो हमारा कर्म बिगड़ गया, अथवा हमने अच्छा कर्म किया। कर्म दो प्रकार हम मानते हैं, कि पुण्य कर्म है कि पाप कर्म, और पुण्य कर्म दो प्रकार है, कि सकाम और एक निष्काम। जैसे आप यज्ञ करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, तो ब्राह्मण संकल्प कराता ना, धन धान्य के लिए, परिवार सुख के लिए ये कर्म करे,
कभी ऐसा कर्म करो जिसमें संकल्प न लेना पड़े, और लेना पड़े तो भगवत प्रीत्यर्थम, ये भगवान की प्रीति के लिए वो निष्काम कर्म हो जाता है। तो वो कर्म हमको आत्मज्ञान के लिए प्रेरक बनता है हमारे लिए। सज्जनों, छांदोग्य की उपनिषद में आया, यदि बहुत बड़ा अच्छा कर्म भी आपने कर लिया, धर्मशाला बनाई है, गौशाला बनाई है, कुछ सकाम भाव से बहुत कुछ किया, दान पुण्य खूब किया, और आप स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में आपको कर्म के अनुसार हजारों साल तक भी आपको रहना पड़ जाए, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाता है, यथा यह कर्म जीत लोक क्षीयते एवं एवामुत्र पुण्य जीत लोक क्षीयते, जैसे यहां आपके पास पैसा है तो टिकट लिया, पैसा समाप्त है तो आपकी यात्रा भी समाप्त है, ऐसे वहां पुण्य क्षीण होने के बाद में तो आना पड़ता है। तो वहां से जब जीवात्मा आता है, अब विशेष पुण्य कर्म से चला गया, अब किसके आधार पर आएगा? जैसे अभी मानिए आप हरिद्वार जाना चाहते हैं आप, तो फास्ट इसका टिकट जो है मथुरा स्टेशन से दिल्ली तक ले गए आप, फास्ट एसी में बैठ करके ट्रेन में यात्रा किए, दिल्ली स्टेशन में आप देखते हैं कि आपके पॉकेट में 100 रुपए मात्र है, और नियर अबाउट 200 किलोमीटर है हरिद्वार मानिए, क्या आप फास्ट एसी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पॉकेट में पूंजी नहीं है। पूंजी हो तो जा सकते हैं, इसलिए स्पेशल कर्म करके हम स्वर्ग भी भोग लिया, तो छांदोग्य उपनिषद माया तद यह रमणीय चरणा अभ्यास विहते रमणीयाम योनि में आपद्यरन, ब्राह्मण योनिम्बा क्षत्रिय योनिम्बा वैश्य योनिम्बा तद यह कपूय चरणा अभ्यास विहते कपूयाम योनि में आपद्यरन स्व योनिम्बा शुक्र योनिम्बा चंडाल योनिम्बा कि ओ कि वहां से जब कर्म का भोग समाप्त हो जाता है, उनके पेंडिंग में देखते हैं, जैसे पॉकेट में हम बोला आपको, इस प्रकार उनके संचित कर्म क्या है। यदि उनके रमणीय आचरण है, अर्थात शुभ कर्म है, सत्कर्म है, उस कर्म के आधार पर ब्राह्मण की योनि में अथवा क्षत्रिय की योनि में अथवा वैश्य की योनि में, तो उनका प्रादुर्भाव होता है, तीनों जो है यज्ञ आदि करने के अधिकारी है। यदि उनके पास में ऐसा शुभ कर्म नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग उनके संचित कर्म क्या है हम तो बोल नहीं सकते, न जाने बिल्ली जन्म देने के लिए, कुत्ते जन्म देने के लिए, सुअर जन्म देने के लिए हमको हमारे पास पेंडिंग कर्म है, वो तो कुछ उनमें से प्रारब्ध बना है, कितने कर्म है, उन कर्मों के आधार पर फिर तभी यही कपूय चरणा अभ्यास वेते कपूयम योनि में आपद्यरन स्व योनिम्बा शुक्र योनिम्बा चंडाल योनिम्बा। यदि उनके पास में उनके संचित कर्म पाप प्रबल है, तो कुत्ते की योनि में आता है, कुत्ते की योनि में अथवा सुअर की योनि में अथवा चंडाल योनि में जन्म लेता है। तो हमें छांदोग्य उपनिषद सतर्क कराती है कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है तुम्हारी इस प्रकार गति होगी, इसलिए साधु सावधान, सकाम भाव से कर्म मत करो। और जो इन दोनों मार्ग में नहीं है, तो वहां आया तो शुक्ल मार्ग है, कृष्ण मार्ग है, जो इसमें नहीं जाते हैं, तो फिर जाए स्वमृत स्व ही उनका जन्म होना है, यही मरना है। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता नहीं है, भोग की प्रधानता नहीं है। तो भोग की जो है
यहाँ आ जाओ स्वामी जी, थोड़ा बैठने में तंगी है। अच्छा, तो भोग की प्रधानता नहीं, ये भोग भोगने के लिए हम कितनी बार स्वर्ग गए होंगे लेकिन उसमें स्थायित्व तो नहीं। छांदोग्य की उपनिषद हमको ये प्रेरित करती है कि आपका संग संतों के साथ में हो, सज्जनों के साथ में हो, दुर्जनों के साथ में मत हो। स्तेनो हिरण्यस्य सुरान पिमश्च गुरुस्तल्पम अववासन ब्रह्मा चैत्य पतन्ति चत्वारः पंचमस्तु तैराचरण रीति, पंचमस्तु आचरण तैहि रीति। इस प्रकार आगे पीछे आया छांदोग्य उपनिषद का है कि जो सोना चोरी करता है वो पातकी पापी है, जो सुरापान करता है वो पातकी है, जो गुरु पत्नी के साथ में कुकर्म करता है वो पातकी है, जो ब्राह्मण की हत्यारा है वो पातकी है। पंचमश्च आचरण स्थैरिति, और पंचम पातकी कौन है? बोले ये कर्म नहीं करते हैं लेकिन ये कर्म करने वालों के साथ में संग रखता है। इसलिए भगवान गीता में भी बोलते हैं अरतिर जन संसदी, जो प्राकृतिक लोग है केवल खाने पीने में लगे हुए हैं उनके लिए अहिक पारलौकिक कोई चिंतन नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का वर्जन करना, उनका संग नहीं करना है। छांदोग्य उपनिषद हमें ये शिक्षा देती है कि तुम्हारे पास में बहुत कुछ आ गया लेकिन अहंकार मत करो। श्वेत केतु बहुत बड़े विद्वान होकर आए और पिताजी के पास में खड़े हो गए, परंपरा से सुनते कि पिताजी को प्रणाम नहीं किया। पिता ने कहा अरे ये क्या हुआ, इसके अंदर तो अभी अहंकार है, कुछ पोथी पढ़ लिए विद्या का अहंकार हो गया क्या? श्वेत केतु, पिता ने कहा क्या श्वेत केतु, तुमने गुरु से पूछा, जाना, समझा? ये ना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम, जिनके सुन लेने पर सब कुछ सुना जाता है। भावार्थ है कि जिनके जानने पर सब कुछ विदित हो जाते हैं, उस तत्व के बारे में कुछ समझा? सोचा कि भाई ये तो गुरुजी बतलाए नहीं, और मैं गुरुजी का प्रियतम शिष्य था, और यदि मना करूंगा कि नहीं प्राप्त नहीं है फिर मेरे को गुरुकुल भेजेंगे, इसे तो अच्छा है कि मेरे पिताजी को ही गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं और पैर में गिर पड़े, मेरे पिताजी आप ही शिक्षा दीजिए इसके बारे में। अर्थात जो विद्या का अहंकार था, पिता ने कृपा करके यहां वेदांत में छांदोग्य उपनिषद में दो जो आए, एक प्रतिज्ञा एक दृष्टांत। प्रतिज्ञा है एक विज्ञान से सबका विज्ञान, दृष्टांत क्या है? यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृतिका इत्येव सत्यम्। ये दृष्टांत है, जैसे मिट्टी से बनाए हुए घड़े सकुरे आदि मिट्टी के ज्ञान से ज्ञात हो जाते हैं, और ये सकुरा है, ये कुल्हड़ है इत्यादि, विकार केवल नाम नाम मात्र है, वस्तुतः अर्थ में कोई इसमें कोई तत्व में कोई भिन्नता नहीं। इसी प्रकार ये जो विकार है ये केवल नाम और रूप, इसमें सत चित आनंद जो है वो अस्थि भारती प्रिय अपना स्वरूप है।
सजनों सदैव समेतमग्रासित एक में बाधित छांदे के उपनिषद में गुरु ने अपने पुत्र को उपदेश दिया, हे सौम्य, ये सृष्टि के पहले ये संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत सत स्वरूप था, सत से भिन्न नहीं था। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, हम कोई हाथ में पुष्प ले लेते हैं, ये पुष्प जो है गुलाब पुष्प है, दूसरे पुष्पों से भिन्न है, इसमें सजातीय की भिन्नता है, लेकिन ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई हजार ब्रह्म नहीं है जो उनकी सजातीय भिन्नता होगी, ब्रह्म एक है। ये पुष्प वस्त्र नहीं है अथवा वस्त्र पुष्प नहीं है, विजातीय भिन्नता आ गई, तो ब्रह्म से विजातीय कुछ है ही नहीं, तो विजातीय भिन्नता क्या आएगी, ब्रह्म ही ब्रह्म है। और ये पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग है, इसके डंठल अलग है, इसका केसर अलग है, प्रत्येक पार्ट्स प्रत्येक जो अवयव है परस्पर में भिन्नता है, ब्रह्म निरवयव है। जब ब्रह्म निरवयव है तो उसमें स्वगत भेद नहीं है, जैसे पुष्प में स्वयं अपने में भेद है, तो ब्रह्म में सजातीय भिन्नता नहीं है, ब्रह्म में विजातीय भिन्नता नहीं है, और ब्रह्म निरवयव होने से ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है। ऐसा ब्रह्म कौन है? तुम हो श्वेत केतु, तत् त्वम असि, वही ब्रह्म तुम हो। और एक बार कहने से काम नहीं चला, 9 बार कहना पड़ा छांदोग्य उपनिषद में, तत्त्वमसि तत्त्वमसि विभिन्न दृष्टांत देख करके। इसलिए ब्रह्मसूत्र में कहा आवृति रसकृत उपदेशात, बार बार आवृति करो कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, क्योंकि असकृत माने बार बार उपदेश दिया, बार बार उपदेश दिया। और ज्ञान के बाद में प्रारब्ध कर्म के अवशेष है, यद्यपि वो व्यावहारिक है तो भी छांदोग्य उपनिषद का यह श्रुति वाक्य प्रबल प्रमाण है, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से। जैसे पंखा घूम रहा है, बिजली चल जाएगी, जब तक इसका वेग है तब तक वो घूमेगा, ऐसे 100 वर्ष की आयु लेकर के जन्म हुआ है, 60 वर्ष की आयु में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, और 40 वर्ष प्रारब्ध का वेग से ज्ञानी का शरीर रहेगा, और वो ज्ञानी जो है सुख दुख से परे साक्षी भाव में रहेगा। हमारी दृष्टि से वो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, लेकिन वो अपनी दृष्टि से ना मैं कुछ करता हूं ना खाता हूं, गुणा गुणे से वर्तन थे इतनी महत्व न सज्जते। ये छांदोग्य उपनिषद का प्रबल प्रमाण है, तस्तावत प्रारब्धों के अवशेष में। देखिए नारायण जी, भोग तो प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध नहीं है तो नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ पुरुष के अधीन है, हम यहां से बांके बिहारी जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे, अथवा रिक्शा से जाएंगे अथवा पैदल जाएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन आज हमें जो सुख दुख मिलना है वो हमारे अधीन नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध के अधीन है। हाँ, कई बार होता है कि प्रयत्न किया जाता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन दुष्ट प्रारब्ध प्रबल होने के कारण से उसको बैक उसको पीछे खींचता है, कोई रोग आ जाता है, कोई प्रतिबंधक आ जाता है। इसलिए प्रारब्ध का भोग तो हमको भोगना है, ज्ञानी भी प्रारब्ध का भोग करता है,
तो भोग भोगना है तो फिर तो इसके पीछे क्यों पड़ना है। साधु गांठ न बांधिए उधर समाता जाए, आगे पीछे हरि खड़ा चिंता काहे को। भाई फिर गांठ किसके लिए बांधना है, आगे पीछे हरि खड़ा है। आप हरि के प्रति समर्पित हो गए। अच्छा डॉक्टर जी हमने अपनी चमड़ी बनाई क्या राजस्थान में? हमको की महिला मिली बहन जी, बोले महाराज ये चमड़ी कट गई और बनती नहीं है, कितना भी करो चमड़ी नहीं बन पा रही, और ऐसा एक समय आता है खून भी नहीं बनता है। कैसी आंख बन जाती है, कैसी पेट बन जाता है, कैसी लंच लिवर किडनी देखो। तो फिर काय के लिए चिंता है, जो वहां बनाया अभी पाल रहा है आगे भी पालेगा। फिर भाई गांठ कौन बांधेगा, साधु गांठ नहीं बांधेगा, फिर गृहस्थ गांठ बांधेगा क्या? बोले साई इतना दीजिए जहां में कुटुंब सुनाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। गृहस्थ को भी गांठ नहीं बांधना है भाई, ये गांठ खोलने के लिए सत्संग है। गांठ तो अनादिकाल से बंधे हुए और भी बांध रहे हम लोग। इसलिए छांदोग्य उपनिषद हमको सच्चाई को शिक्षा देती है कि आप सच्चाई को स्वीकार करो। नारद जी महाराज सनत कुमार पास में पहुंच करके सनत कुमार जी के पास पहुंचकर बोलते हैं, श्रुतम में भगवत दृश्यभ्यो तरति शोकम आत्मविद। ये भगवान आप जैसे महापुरुषों से सुना हूं, आत्मज्ञानी शोक उपलक्षित संसार सागर को पार कर जाता है। सोहम भगवः सुचामि स त्वं माम शोकस्य पारं तारयतु। छांदोग्य उपनिषद में आया। नारद जी इसी सच्चाई को स्वीकार करते हैं भगवान कि मुझे शोक हो रहा है, तो इसी शोक सागर से मुझे पार कराइए। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। सच्चे साधु कभी ये नहीं कहता कि मेरे को ज्ञान हो गया। यदि प्रामाणिकता रूप से उसको कोई पूछ भी लेता है तो प्रामाणिक रूप से बोलते हैं, नहीं भाई अभी मैं साधक हूं, अभी साधना चल रही है, कहने में क्या आपत्ति। ज्ञान नहीं हुआ है और ज्ञानी कहलाना ये उल्टा हो गया काम। साधना है ठीक है, कहने में क्या आपत्ति। नारद जी जब बोलते हैं और इतनी विद्या के निपुण विद्वान, उनको सब ज्ञान था लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं था। आप डबल एम ए पीएचडी कर लिया, आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास आ गए। कई लोग अपनी क्वालिफिकेशन का डिग्री का संसारी प्राणी तो अहंकार करता है। तो तेलुगु भाषा के साहित्य दिया है कि पढ़कर सुनाइए। अभी ओडिशा का राज्यपाल हरियाणा का है, 81 वर्ष में ओडिया भाषा सीखे उनने। ओडिया भाषा सीख करके ओडिया भाषा में गीत गाया, क्या मिला भाई आपको? ये तो रेपुटेशन हुआ कि बड़ा अच्छा आपने गाया, ओडिया भाषा सीखी। ओडिया भाषा से आपका कल्याण होगा क्या? 81 वर्ष में 80 वर्ष में भाषा सीख रहे, भजो गोविंदम। ज्ञान तो असीम है भाई, व्यवहार का ज्ञान बहुत असीम है। हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, बोन स्पेशलिस्ट के पास पहुंच गए, आंख के बारे पूछ रहे, बोले थोड़ा उनको दिखा दीजिए आप आई स्पेशलिस्ट। कितने ज्ञान है, एक एक अंगम स्पेशलिस्ट है। नारद जी सभी विद्याओं में निपुण थे परंतु शोक दूर नहीं हुआ। सनत कुमार के पास पहुंचते, सनत कुमार ने पूछा कि आपको क्या, आपने अब तक क्या अर्जन किया है? बोले मैं व्याकरण पढ़ा हूं, निरुक्त पढ़ा हूं, छंद पढ़ा हूं, निधि विद्या पढ़ा हूं, सब विद्याओं का नाम लिया। सनत कुमार ने कहा, ओहो ये तो सब अपर विद्या है भाई, पर विद्या आपको प्राप्त नहीं हुई। यो वै भूमा तत्सुखम
नाल्पे सुखम अस्ति, ये भूमा विद्या छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार जी महाराज ने नारद जी को प्रदान किए। जो व्यापक है वो सुख स्वरूप है, अल्प में सुख नहीं है। और संसारी प्राणी अल्प से ही सुख मानता है। हम भ्रमण काल में बहुत साधु संतों का संग किया, अच्छे अच्छे। तो ये गाजीपुर में हमारे उत्तर प्रदेश में वहां एक संत थे, हम दो चार संत गए तो एक माता जी आकर रोने लगी बाबा के पास में। बाबा ने कहा जाओ जाओ, हमारे पास कुछ नहीं, गर्मियों का दिन हाथ पंखा चलाते थे। तो हम लोगों से बात कर रहे, सिद्ध महात्मा थे, जाओ जाओ हमारे पास कुछ नहीं है। ना नहीं, खूब रोने लगी माई, भाई दुखी। अच्छा बोल बोल क्या चाहते, क्या बोलते। बाबा लड़का बात नहीं सुनता है, बहुत दुखी। वो हाथ पंखा ऐसा घुमा रहे थे और हाथ पंखा से उनको पीट दिए बाबा ने। तुम भगवान की बात मानती हो क्या? जब तुम भगवान की बात नहीं मानते हो तो तुम्हारी बात तुम्हारा बेटा क्यों मानेगा? देखो कितनी मर्म की रहस्य की बात की। जब हम भगवान की बात नहीं मानेंगे, हम संसार में इस प्रकार ठोकर खाते रहेंगे। क्योंकि बेटा को मान रहा ना कि मेरा है, बेटी को मान रहा है मेरी है, धन को मान रहा है मेरा है, जो संसार है नाशवान है उसी के ऊपर ज्यादा भरोसा है, जो अविनाशी है उसके प्रति उपेक्षा है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा जा रहा है नाल्पे सुखम अस्ति, जो अल्प है उसमें सुख नहीं है। तो अल्प को ही हम क्यों बहुत मानेंगे? हम ये समझते हैं कि कुत्ता को विवेक नहीं इसलिए सुखी हड्डी को चबाता है। हम ये समझते हैं कि मिरर के दर्पण के पास में आकर चिड़िया चोंच लगाती है, समझती है कि उसके अंदर और एक चिड़िया, उसको अज्ञान है अविवेक है। इसी प्रकार ज्ञानी महात्मा से अतिरिक्त जो जिज्ञासु, उनसे भी अतिरिक्त जो विषय कोटि में आते हैं वो संसार को ही भरोसा करते हैं, संसार को ही महत्व देते हैं। तो भाई दुखी होते फिर। आज ये बतलाओ, कोरोना ने सब हमको दिखा दिया, कितने डॉक्टर्स चले गए, कितने पुलिस ऑफिसर चले गए, वो किसको चपेट में लेकर चला गया। आज टीवी में देखते हैं कितने बड़े बड़े आलीशान मकान, यूक्रेन में सब ध्वस्त हो गए। जो लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था वो आज किसी धर्मशाला में किसी स्कूल के छत पर बैठे हुए होंगे, जो लाइन में लगकर खा रहे, खाते होंगे बैठे हुए लाइन से दिया जाता होगा। क्या जैसा उनके साथ घटना घटी हमारे साथ नहीं हो सकता क्या? विचार करो। ये संसार को सत मान करके संसार का भरोसा रखने से इस प्रकार दुख हमें प्राप्त होता ही रहेगा, दुखों का अवसान नहीं हो सकता। इसलिए दुख निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति ब्रह्म विद्या वही उपनिषद है, तदर्थ होने से ये छांदोग्य आदि सब उपनिषद है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणुति नान्यत विजानाति तद भूमा, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणुति अन्यत विजानाति तद अल्पम तद मर्त्यम, यो वै भूमा तद सुखम तद अमृतम यद अल्पम तद मर्त्यम। यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणुति अन्यत विजानाति तद अल्पम, जहां अपने से अतिरिक्त दूसरा को नहीं सुनता है, नहीं समझता है, नहीं जानता, नहीं देखता, भिन्न नहीं देखता, आप अपना ही आप है, वो तो भूमा तत्व है। और जिस अवस्था में हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे को सुनते हैं, दूसरे को जानते हैं, मैं ये हूं अहम इदम,
ये मैं हूं, ये दूसरा है, वो अल्प है। जो घुमा है वो अमृत है, आत्मा अमृत है, जो अल्प है वो मर्त्य है, विनाशी। इसकी थोड़ा बहुत सुषुप्ति में झलक है। सुषुप्ति अवस्था में यद्यपि अज्ञान रहता है, लेकिन वहां बृहदारण्यक उपनिषद में आया, अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता, लोका अलोका, देवा अदेवा, वेदा अवेदा, अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, तीर्णो ही तदा सर्वान छुकान हृदय भवति। जब हम सो जाते हैं तो उस समय में कोई भान रहता है? हाँ जी, आप तो बहुत बड़े मालिक हो भाई, आपकी चारों तरफ से जय जयकार हो रहे, महान पुरुष है आप। सोए हुए पुरुष के पास में आकर स्तुति करने पर कोई प्रसन्न होता है क्या? यदि कोई आकर अपशब्द बोल दे, गाली दे, क्या दुखी होता है क्या? क्योंकि उस शब्दों को, अनुकूल प्रतिकूल शब्दों को ग्रहण नहीं करता है। इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता है, माता माता नहीं रहती। कभी हमारे शास्त्रों में, महाभारत में सबसे बड़ा ग्रंथ है वेद, वेदों का 10 विद्वान, वेदों के 10 विद्वानों से श्रेष्ठ है दीक्षा गुरु, जिनसे मंत्र प्राप्त होता है। दीक्षा गुरु से 10 गुना श्रेष्ठ है शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु से 10 गुना श्रेष्ठ है पिता, और पिता से 10 गुना श्रेष्ठ है माता। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने लिखा, कुपुत्र जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं। भगवान राम ने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मां के सामने बच्चा कभी गिर नहीं सकता। पलंग में मां अपने बच्चे को दीवार के साइड में सुलाती है, और इधर मां सोती, लेकिन कभी मां सो चुकी है, गहरी नींद में चले गई, बच्चा जग गया और लुढ़कते हुए पलंग से नीचे गिर गया, रोने लगा, तो मां नींद टूट जाती, फिर संभालती है, रोती है। लेकिन जब वो गिर रहा था बच्चा, मां कहां थी? हमारा उपनिषद बोलता है, इस अवस्था में मां मां नहीं रहती। इस सुषुप्ति अवस्था में पिता पिता नहीं है, मां मां नहीं है, देव देव नहीं, लोक लोक नहीं है, देव देव नहीं है, वेद वेद नहीं है। पुण्य पाप से असंस्पृष्ट होकर के सभी हृदय के सुखों को पार करके अवस्थित। छांदोग्य उपनिषद में सता सौम्य तदा संपन्न भवती, सत स्वरूप के साथ में उस समय वो एकत्व को प्राप्त करता है। परंतु इतना है कि इसमें अज्ञान पटल है, जैसे किसी लोटा में आपने गंगा जल भर दिया और उसको सील कर दिया, आपने रस्सी बांध दिए और समुद्र में फेंक दिया। थोड़े समय के बाद में आप रस्सी को खींचते हुए लोटा को प्राप्त कीजिए और सील तोड़ दीजिए, आपको गंगा जल मिलेगा, समुद्र जल नहीं मिलेगा। क्योंकि समुद्र जल और गंगा जल के बीच में क्या आवरक है। अब सील को तोड़ने के बाद में फिर फेंक दीजिए लोटा को, अब लोटा को फिर लाइए तो आपको समुद्र जल मिलेगा। बस मुक्ति अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में यही पार्थक्य है। सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा और ब्रह्म, इसके बीच में अविद्या है,
इसलिए जीवात्मा सुषुप्त अवस्था के अनंतर कर्म के अधीन स्वप्न में अथवा जागृत में पुनः आता है, क्योंकि इसकी रस्सी उसको खींचती है, कर्म रूपी रस्सी। और मुक्ति अवस्था में तो वो जो अविद्या रूपी शील है वो टूट जाती है, वहां आनंद ही आनंद है, परमानंद है। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति, बृहदारण्यक उपनिषद में आया। ये विषय भोग करते समय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय है, ये विषय भोग करते समय में जीवात्मा को जो सुख मिलता है वो उसे आनंद सिंधु की एक झलक है। इसलिए महात्मा लोग जगत से संसार से मुख मोड़ करके उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। वो तो प्रयत्नशील है, क्योंकि बिंदु में ये जो आनंद है ये क्षणिक है, खंडित है। जैसे आज आपकी इच्छा हुई कि आज मालपुड़ा खाएंगे, खीर खाएंगे। एक महात्मा जी ने मध्य प्रदेश में जाते थे, बोलते थे भाई यहां आज ठीक है काली रोटी और धौली दाल बनाना, उनके कोड़वाड़ा है। काली रोटी माने मालपुड़ा और धौली दाल माने खीर। तो देखो खीर मालपुड़ा आपके सामने आ गए और खाने के लिए आप तैयार है, इष्ट का भोग कर रहे हैं। प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति होती है, इष्ट की दर्शन से प्रिय वृत्ति है, इष्ट की प्राप्ति में मोद वृत्ति है, इष्ट के भोग से प्रमोद वृत्ति है। आप खा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, और खा भी रहे, दो चार ग्रास खाया है, मोबाइल घंटी आ गया, आपने रिसीव किया कि लड़का का एक्सीडेंट हो गया। देखो ये आनंद खंडित हो गया, ये आनंद क्या हुआ, खंडित हो गया। लेकिन वो मुक्ति अवस्था में जो आनंद है वो अखंडानंद है, वो आनंद कभी खंडित नहीं होता। उस आनंद को प्राप्त करना है, इसके लिए क्या करना है, एक तो अभ्यास करना है, लेकिन अभ्यास में भी यदि सामर्थ्य नहीं है तो सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है। हमारे शास्त्र में आया कि आप न्याय से धन कमाओ, अन्याय से नहीं। न्याय से धन कमा करके 10% धर्म में लगाओ। तो कई बार किसी के मन में आता है, हम प्रेरित करते 10% के लिए, बोले स्वामी 10% तो ज्यादा है। तो हम बोलते 10% ज्यादा है या 90% ज्यादा है, अधिक कौन है? वो 90 को नहीं देख रहा है, वो 10 को देख रहा है। वो 10 को इसलिए देख रहा है, वो समझ में नहीं आ रहे उनको कि उनको लग रहा है कि मैं दे रहा हूं, इसीलिए उनको पीड़ा है, कष्ट है। ये हार्ट बोलते ना, ये संसार की जो हार्ट है ये मोल करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आप दे नहीं रहे, आप ले रहे हैं, इसी भाव को आप समझिए। जगन्नाथपुरी में कोई महात्मा जी बैठे हुए थे तो हमने कहा बाबा प्रसाद पाएंगे, वह महाप्रसाद वहां देते। बोले कौन खिलाएगा? बोले जगन्नाथ जी खिलाएंगे। 30 रुपया का महाप्रसाद उनको दिया गया, 10 रुपया दक्षिणा। और उनने क्या कहा, इतना तो साफ नहीं है लेकिन इतना याद शायद आया, अरे महात्मा जीवन भर भूखा नहीं रहोगे, तो क्या दिया गया क्या पाया गया? भाई मैं स्पष्ट आपको बोल रहा हूं, इसलिए आप दीजिए, और आप दूसरों को देने के लिए ना दीजिए, भगवत प्रीति के लिए दीजिए। भगवान गीता में बोलते हैं यज्ञार्थात
कर्मण नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। यज्ञ वही विष्णु हो परमात्मा, परमात्मा के लिए दिया हुआ कर्म बांधने वाला नहीं है, मां के गर्भ में जाने नहीं देगा, वो रोकेगा। परमात्मा से अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य में आपने दिया है किया है जो भी कर्म, परिक्रमा, स्तुति, नमस्कार, दान, दक्षिणा आदि, वो कर्म अपने को बांधने वाला है, कर्ता को बांधने वाला है। इसलिए निष्काम भाव से उस परमात्मा की प्रीति के लिए तुम कर्म करो कुंती नंदन, तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग्रह समाचर। कितना बढ़िया सूत्र दिया भगवान ने। ये तो महात्मा ने कहा, तुम परमात्मा की बात मानती हो क्या? तो नहीं मानती हो तो गीता में हमको मना रहे भगवान, मान लो भाई, निष्काम कर्म करिए, धीरे 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 रास्ता खुल जाएगा। एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे और उसके अंदर भाव भी था। उनका नियम था किसी ना किसी महात्मा को भोजन कराएंगे फिर भोजन पाएंगे। तो रास्ता में जो देखते थे महात्मा, स्वामी जी कृपा करो हमारे घर में प्रसाद पाइए, ऐसे बड़े भाव विनित होकर के और बुला देते, प्रसाद करा देते। उनके सच्ची श्रद्धा थी उसके अंदर। एक दिन महात्मा बुलाया जा रहे थे, स्वामी जी आइए बाबा प्रसाद पाएंगे। बोले आए, बिठा दिए। तो जैसे थाली आ गई तो महात्मा लोग, आज तक वो धनी साहूकार सेठ बाबा जो जब से देखा तब से कि महात्मा लोग हाथ में जल करके घुमा करके मंत्र पढ़ करके पाते हैं, और वो तो उनके पास आ गया तो सीधा ही हाथ लगाया थाली में, और कोई मंत्र नहीं, कोई चरु नहीं, कोई पानी नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट भोजन। तो खिलाने वाले धनी व्यक्ति के अंदर में ये भाव आया, अरे भाई आज तो लगता है कि साधु नहीं मिला है। ये जब से साधुओं को देखा तब दे करके खाते, भगवान को अर्पण कर खाते, तो डायरेक्ट खा रहा है। कोई गलत व्यक्ति आ गया साधु के वेश में, अपने क्रोध आया, क्रोध को दबाया और दबाते दबाते दबा नहीं पाया, वो क्रोध उभर गया, भड़ास निकला। तू पाखंडी है, तू बाबा नहीं है, बाबा का वेश धारण करके चलो उठो। वो एक रोटी पूरा नहीं खा सका, उसको भगा दिया। ये क्रोध चंडाल है। क्रोध जो है, जिसके अंदर अधिक क्रोध है तो वो स्वयं जलता है, दूसरों को भी जलाता है। धर्म क्षय करह क्रोध, भगवान राम बोलते हैं। ये क्रोध से धर्म की हानि होती है। जिसके अंदर काम प्रबल है वो हरि का भजन नहीं कर सकता है, जिसके अंदर लोभ अधिक है वो धर्म नहीं कर सकता है, परलोक नहीं साध सकता है। इसलिए भगवान तीनों को नरक के द्वार बतलाया, काम क्रोध लोभ। और हम लोग के अंदर न्यूनाधिक किसी ना किसी प्रकार है नारायण जी, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है बिल्कुल। जिसके पास नहीं वो ब्रह्मज्ञानी है, नहीं तो सबके पास न्यूनाधिक है। किसके पास एक प्रबल है, किसके पास दो प्रबल है, किसके पास तीनों प्रबल है, किसके पास तीनों कमजोर है, लेकिन है। जैसा उनको उठा दिया और जैसे बुलाया थे वो आ गया था, उसको उठा दिया चले गए। भगवान आकाशवाणी भगवान की हुई, अरे भगत एक टाइम खिला नहीं सका, एक टाइम खिला नहीं सका, थक गया, और मैं इनको जन्म से खिला रहा हूं अब तक नहीं थका। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दाता तो राम है भाई, सबके दाता कौन है? इसीलिए आप दे रहे हो कि राम की पूजा हो रही है, देने वाला तो और कोई है, नाम हमारा हो रहा है। तो बोलते ना कि संगीत करते हो तुम सब कन्हैया, कि करने कराने वाले तो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की प्रीति के लिए आप सत्कर्म कीजिए, यज्ञ कीजिए। बृहदारण्यक उपनिषद में आया, तमेतम वेदानो वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति।
यज्ञ दान और ईदृश लाभ संतुष्ट और वेद के स्वाध्याय, उसे विभाग किया। वेद के स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्मचारी लोग, यज्ञों और दान के द्वारा गृहस्थ लोग, ईदृश लाभ संतुष्ट के द्वारा तपस्वी और सन्यासी को भी लिया गया कि उस आत्म को जानने की इच्छा करते हैं। और सबके मूल क्या जानते हैं, आप कर्म योग करो अथवा ध्यान योग में जाइए अथवा आप भक्ति योग में जाइए, जो भी कुछ कीजिए पहले सत्यम बद धर्मम चरम, वाणी में सच्चाई होनी चाहिए, सत्य को आप जोर दीजिए, अनजान से झूठ मत बोलिए। अनजान से भी झूठ हो जाता है वो बात अलग है, जान बुझ करके झूठ मत बोलिए आप। और युधिष्ठिर जी महाराज महाभारत पढ़ा रहे, उनसे भी थोड़ा सा। युधिष्ठिर जी महाराज जी जब कह दिए कि अश्वत्थामा मारा गया, साउंडलेस धीरे बोले परंतु हाथी, और सुनाई नहीं पड़ा, ये तो झूठ। भगवान ने द्रोणाचार्य ने पूछा अश्वत्थामा मारा गया, धन्य है युधिष्ठिर जिसके प्रति गुरु का विश्वास था, और किसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं था, ये भी झूठ बोल सकते। तो भगवान ने सिखाया था कि नहीं कहेंगे तो काम गड़बड़ा होगा, ये द्रोणाचार्य हटेंगे नहीं, दुर्योधन का विनाश नहीं हो सकता। अधर्म को हटाने के लिए युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी, ये परंतु हाथी को धीरे बोले। इस झूठ का परिणाम क्या है, सत्य के आधार पर उनके रथ के चक्र जो है पृथ्वी से चार अंगुल ऊपर उठ करके चलता था, जिस दिन झूठ बोले वो पृथ्वी को स्पर्श करते हुए चला, और स्वर्ग में भी छल से उनको नरक दर्शाया गया। प्रमाण है, महाभारत तो जीवन है। स्वामी जी महाभारत की कृपा करा रहे आप लोगों के ऊपर, देखो महाभारत जीवन है, हमने महाभारत से बहुत कुछ सीखा। एक भाई दूसरे भाई के बगीचा में चला गया, उस समय वो अनुपस्थित था, तो फल खा लिया बिना पूछे, शंखलिखित कथा है। तो वो आया थे, उसका स्वागत किया, कहा भाई यहां फल लगे थे, कौन तोड़ा, ना मैंने खाया। अरे मालिक को बिना पूछे फल खाया, अपराध होगा, राजा के पास चल जाओ, दंड ले लो। राजा को कहा भाई तो मालिक है, क्या पूछना, ना भाई मालिक है लेकिन तुम तो मालिक नहीं है, बिना पूछे फल खाया। तो राजा ने क्या किया, दोनों हाथ कटवा दिए, कटे हुए हाथ से आया, भाई को सुनाया मैं दंड लिया, तो भाई ने उनको नवीन हस्त दे दिए तपस्या के संकल्प से। कहा भाई हाथ किसने दिया, मैंने दिया, काटा क्यों नहीं, नहीं ब्राह्मणों का काम नहीं है ये, राजा का दंड विधान, राजा क्या दंड देता। एक ही लेसन है, एक ही हमारे ये दृष्टांत है, तो हमारे जीवन में उसका इतना इंप्रेशन पड़ा है, इतना प्रभाव पड़ा है, हम अनधिकार चेष्टा बहुत 99.99 समझ लीजिए, सो भाई मनुष्य है बात कोई कुछ, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल सतर्क है। आपने गौ सेवा के लिए हमको दिया है, उसको हम भंडारे में नहीं लगा सकते। आपने भंडारे के लिए दिया है, हम उसको मंदिर निर्माण में नहीं लगा सकते। इतना सतर्क ये दृष्टांत। नर्मदा किनारे में हम जा रहे थे, हमारे साथ थे एक मास्टर थे रिटायर, तो उन्हें बेर पड़े थे किसी खेत में, वो बेर उठाने लगे, स्वामी जी लीजिए, मतलब मैं तो नहीं खा सकता, ये दृष्टांत उनको सुनाया। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं भी नहीं खाता हूं। तो ये दृष्टांत हमको पग पग पग, महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ अच्छा है, क्या कहा जाए। इसलिए भाई हम सबका आत्मज्ञान के प्रति अधिक से अधिक रुचि, संलग्न तैयारी, चलते रहे, और महाराज जी की विशेष कृपा है, इनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। देखो एक साधु रहता है, साधु का वातावरण अपने आप, समझे ना, एक संत और हम दोनों, देखो ये सब आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन दृष्टांत के लिए देते हैं। एक घर में भोजन करने गए
वो माता जी बोलते मेरा ये चक्र चलना शुरू हो गया, आप दोनों आ गए। देखो झूठ बोल दिया सच बोल दिया वो जाने। एक घर में हम भोजन करने गए, स्वामी जी बहुत दिन से हमारे घर में अशांति थी, आप आने से आज हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक पंडित जी के पास हम पहुंचे, वहां वो चौकीदार था, कहा स्वामी जी लड़का मर गया 6 महीना या कितना महीने से मैं सोया नहीं, आज आप आए मेरे को नींद आई। ये आत्म प्रशंसा की बात नहीं, ये संत महात्मा लोगों को थोड़ा सा अंतर्मुख होकर कुछ करते हैं, इसीलिए तो सेठ साहूकार पैसा वाले भी इनके पीछे बोले महाराज कृपा करो कृपा करो। राजा लोग भी न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती नहा सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवी नहा। भागवत की महात्म्य बोल रहे कि इंद्रों को सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है, सुख किसको है भाई, वो जो एकांत में रहते विरक्त निष्क्रिय संत उनको सुख है। इसलिए महापुरुष की छत्र छाया में आप लोग सत्संग भाई छोड़ना नहीं, अधिक से अधिक और लोगों को यहाँ खींच खींच कर लाओ, बोले चलो भाई सत्संग में आओ। कई लोग बोलते हैं कि कई लोग बोलते ये मेरे को सत्संग में लगाया, ये मेरे को इसमें लाया, इस लाइन में मेरी पत्नी लाइन में मेरे को लाई है, ऐसा भी सुनाते हैं। हाँ अमुक व्यक्ति भाई संसार में हम घूमते सब लोग अपने कथा सुनाते हैं, इनके कारण से मेरे को ये मिला है। इस प्रकार भाई सत्संग की प्रथा को आगे से आगे आप चलाते रहिए, थोड़ा समय कम है और तो कुछ विशेष कार्य के लिए आना हुआ तो महात्माओं की थोड़ी सेवा है, तो आप लोग सब आगे शायद अधिक से अधिक भजन करते। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।